वो केसिड आया, उसने लगाया कि तेरी माँ का हाल बुरा है, और हाल इसलिए बुरा है कि वो बेवकूफ कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, बोलनी पड़ेगी साहब, और इसलिए बोलनी पड़ेगी। साउंड बढ़िया है। और साउंड इसलिए बढ़िया है अखिलेश भैया, नजरें मिलते ही गुंडों की कर दे जो पिटाई, बजरंग बली सा बाबा है बुलडोजर भाई, दिखता जो सीधा है भगवान को धारे तू, और जब गरजता है दुश्मन मारे तू, तेरी पलक झपकी, सारा जमाना है तेरे पीछे, पर तू दीवाना पीछे राम जी के, सर ये झुकने ना पाए दुनिया के आगे, तेरा बुलडोजर देखे दुश्मन सब भागे, ना तमन्ना हीरा बनना, ना तमन्ना हीरा बनना, ना ही तुझको सीएम बनना, एक तमन्ना है बस तेरी मंदिर बन जाए, फिर भी तेरी पलक झपकी, श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। ताली बजाओ वरना डांस करके दिखाऊंगा। क्या बात है, वाह यार कमाल हो गया, साउंड वाकई बढ़िया है, और इतना अच्छा साउंड होने के बाद कहता है कि मेरी गर्दन तो छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, बोलनी पड़ेगी साहब, और इसलिए बोलनी पड़ेगी के जोर से बोलो, क्यों बोलनी पड़ेगी। साउंड बढ़िया है। हम एक जाके भजन गाने के लिए चले गए अखिलेश भैया, हमने भजन गाया, हो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, गांव वाला के समझ में नहीं आयो, विलेज जी भाई साहब मैंने राग रागने में सुनायो, भोर भयो भोर भयो, अब जैसे मैंने भोर भयो करो गांव वाला का समझ में नहीं आया, लेकिन एक डोकरी माँ देख कर रोने लगी, बल्कि दादी माँ के समझ में आ गया, तो मैंने करो भोर भयो तो डोकरी हो जाता भाई, रात भर उठे भोर भयो करते करते ना दादी माँ का रोते रोते, सुबह उठ के दादी माँ के प्रणाम करिए, मन की माँ साहब पूरे गांव में आप अकेले ऐसी महिला हो जो मेरे भजन को समझी, वरना गांव वाले तो मेरे भजन को कुछ भी नहीं समझे, तो डोकरी माँ कहने लगे कि नाना भजन भजन तो ठीक है, भजन भजन तो ठीक है, पर यह की यही बीमारी मारा बकरा के थी।